मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून के कारण आई आपदा को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज और किच्छा के इलाके में शनिवार से सोमवार के बीच हुई बारिश ने काफी नुकसान किया है। सीएम ने प्रभावित इलाकों का पहले बुधवार को हवाई जायजा लिया और फिर रास्ता हालात जानने हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर और खटीमा के उन इलाकों में पहुंचे जहाँ नुकसान हुआ है। सीएम ने परेशान लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों के पैदा हो रहे खतरे को दूर करने के लिए नदियों का चैनलाइजेशन यानी कि पोकलेन और अन्य तरह की मशीनों के जरिए नदियों की दिशा बदलने के निर्देश भी दिए। जो ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुँचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें, जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ बैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं, उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हल्द्वानी नाले नालियों पर अतिक्रमण अतिक्रमण को भी देखेंगे। जहां पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। चमोली से खबर, यहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोगीधारा के पास बोल्डर और मलबा आने से बंद हो गया है। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा है। धीरे धीरे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गया है। हाईवे बंद होने से सुबह से यात्री फंसे हुए हैं। बारिश भले ही अभी रुक गई हो लेकिन लैंडस्लाइड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में धूप खिल चुकी है और अब उसके बाद पहाड़ों के चटकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि मौके पर दो मशीन लगाकर सड़क को खोलने का काम जारी है लेकिन अभी भी हाईवे खोलने में काफ़ी दिक्कतें हो रखी हैं। प्रशासन यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील कर रहा है। मौके पर SDRF की टीम को लगा दिया गया है। उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चमोली की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बद्रीनाथ में 1,02,145 वोटर हैं तो मंगलौर में 1,19,930 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही जगहों पर कुल 4,200 कर्मचारी और सुरक्षा बलों की तैनाती है। बद्रीनाथ में पहली बार हाई एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें 17 गांवों के 3,888 वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। चमोली के बद्रीनाथ सीट पर कल वोटिंग होनी है लेकिन रोड बंद होने के चलते पोलिंग पार्टियां रास्ते में फंस गई हैं। करीब 3 घंटे तक का इंतजार किया गया और जब रोड नहीं खुल पाई तो पोलिंग पार्टियां जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे पैदल ही रवाना हो गई। कई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई इस दौरान पोलिंग पार्टियों को चढ़नी पड़ी। करीब 32 पोलिंग पार्टियां इस दौरान रास्ते में फंसी रहीं। कई अन्य लोग भी रास्ते में फंस रहे लेकिन बाद में सभी ने पैदल ही रास्ता पकड़ लिया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह लगभग 10 बजे के बाद भारी मलबा आने के बाद बाधित है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो भी प्रभावित हो गई है और जो निर्वाचन होना है चमोली जनपद में 210 पोलिंग बूथों पर आज पोलिंग पार्टियां सुबह रवाना हो चुकी थी लेकिन जोशीमठ क्षेत्र हो या नगर हो वहां पे जो पोलिंग पार्टियां पहुंचनी थी वो काफी देर से पहुंची हैं क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए किस तरीके से यहाँ से खड़ी चढ़ाई पार करके जो पोलिंग पार्टियां हैं वो ऊपर की तरफ आ रही है। ये देखिए आप सुरक्षा कर्मी हैं ITBP के जो जवान हैं वो किस तरीके से यहाँ पे इन खड़े रास्तों को पार करके पहुंच रहे हैं।